कितनी भी पुरानी खांसी हो, आप इस चीज़ को बना करके खाएंगे या बच्चे को देंगे तो बहुत जल्द ही ठीक होगा। तो यहाँ पे मैं अदरक ली हूँ, गुड़ ली हूँ और साथ में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है, लौंग है, दालचीनी है, अजवाइन है। इन सारे चीज़ों से आप अच्छा सा बना सकते हैं, एक मतलब स्वादिष्ट अच्छा रेसिपी बना सकते हैं और बच्चे को इस तरह से दे सकते हैं सर्दी खांसी में, जुकाम में। अभी ठंडा गर्मी का मौसम चल रहा है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैं हल्दी का बना रही हूँ, तो यहाँ पे पाउडर वाला हल्दी है, इसको मैं डाल करके अच्छे से इसको घोल करके रख दूँगी ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए और अच्छा सा मतलब हो जाए घोल करके। तो 12 से 15 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे, घोल करके रह जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि जो हम ड्राई फ्रूट्स वाला लिए हैं और अजवाइन अदरक है उसको मैं अच्छे से भूनूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए इसको साइड में कर दूंगी और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। तो एक तरफ यहाँ पे कढ़ाई रख दिए हैं और साथ में यहाँ पे हम हल्का मीडियम आंच पे ही भूनेंगे इसको, जो अजवाइन है और अदरक है, साथ में जो ड्राई फ्रूट्स है उसको भी मैंने हल्का हल्का हम रोस्ट करेंगे यहाँ पे मीडियम आंच पर ही, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आप इस चीज़ को ज़रूर से, अगर ज़्यादा खांसी रहेगा बच्चे या बड़े को, तो आप इस चीज़ को बना करके आप दीजिएगा तो बहुत जल्दी फ़ायदा करता है, खांसी में जल्दी से राहत मिलता है। क्योंकि आप जान ही सकते हैं कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है, साथ में यहाँ पे जिंजर है, तो जिंजर सर्दी खांसी में बहुत काम करता है और यहाँ पे साथ में अजवाइन है, तो इसलिए ये बहुत भरपूर मात्रा में आप इसे कर सकते हैं, दे सकते हैं बना करके। तो मैं अलग अलग अच्छे से इसे ड्राई फ्रूट्स को भून ली हूँ पहले उसको भून करके। तो इस तरह से भूनने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि यहाँ पे किशमिश को डाल दिए हैं, आलमंड्स को डाल दिए हैं, हल्का ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। भूनने के बाद अलग अलग इसका हम पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जो भूने थे अदरक और अजवाइन को, और इसको महीन सा पेस्ट बनाएंगे ताकि मतलब दरदरा ना लगे और मुँह में पता ना चले खाने के बाद, कड़वा ना लगे। तो यहाँ पे भून करके जब हम करेंगे ना, उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स वाला होगा अलग अलग भून करके करेंगे, क्योंकि एक साथ नहीं पीसनेंगे तो अच्छा पेस्ट बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे पीस करके तैयार हो गया है, देख सकते हैं इसको। अब हम अलग ट्रांसफ़र कर देंगे प्लेट में और उसके बाद इसी तरह से जो ड्राई फ्रूट्स हम लोग भूने थे उसको हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो जब हम इसका पेस्ट बना रहे थे तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दिए थे ताकि अच्छा सा उसका पेस्ट बन जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे 1 से 2 चम्मच यहाँ पे पानी डाले हैं, तो यहाँ पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि कढ़ाई रख देंगे, कढ़ाई को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम घी डालेंगे, 2 से 3 स्पून यहाँ पे घी डालेंगे। घी डाल करके हम यहाँ पे हल्दी को भुनेंगे 12 से 15 मिनट इसे मीडियम आंच पर भी अच्छे से भुनेंगे ताकि हल्दी अच्छा सा खुशबू आने लगे। साथ में यहाँ पे मैं तेल डाली हूँ, अगर आपको तेल पसंद हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो केवल घी में ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भूनूंगी, मीडियम आंच पर ही भूनेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे क्योंकि मतलब जलने का डर रहेगा और अच्छा सा भुनाएगा नहीं सोना सोना। तो इसे हल्के हल्के ही भूनेंगे और चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चिपकने लगेगा। तो देख सकते हैं क्योंकि घी डाले हैं तो चिपकेगा तो नहीं, बट यहाँ अपने से हम चलाते ही रहेंगे तभी अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। और ज़रूर इसको अब दीजिएगा तो बच्चे को बहुत जल्दी राहत मिलेगा। साथ में यहाँ भूनने के बाद यहाँ पे हम गुड़ को डाल दिए हैं, गुड़ अच्छे से जब यहाँ पे हम मेल्ट कर लेंगे ना, उसके बाद जो हम लोग पीसे हैं उसको डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ घी को ऐड की हूँ फिर से 2 से 3 चम्मच, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इतना सारा इसमें डालने के बाद सर्दी खांसी में ज़रूर मतलब आराम मिलेगा, राहत मिलेगा। घी चिकना होता है, गला के लिए अच्छा होता है और अदरक भी मतलब उसके लिए अच्छा होता है। तो इस तरह से हम चलाएंगे इसको, देखिए यहाँ पे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि जो हम ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बनाए थे उसको हम यहाँ पे डालेंगे और डाल करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए चलाएंगे इसी तरह से। जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि भून करके, देखिए यहाँ पे बन करके इस तरह से तैयार हो गया है। तो आप चाहें तो इसे लड्डू बना करके रख सकते हैं और इसे 8 से 10 दिन तक इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और बच्चे को सुबह में या शाम में आप दे सकते हैं। तो आप इसे बड़े या बच्चे को एक